चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं है बबल, चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए जलता जा कोई है जाए जलता जा। जानू चाहती क्या है? अपनी फ्रेंड के घर गई है सोना के साथ। यार ये हमारे बच्चे अब किसी एपिसोड में नजर ही नहीं आते, जब देखो पड़ोसियों के यहाँ होते। ये तुम्हें अचानक से बच्चों का ख्याल कैसे आ गया नबील? क्या मतलब जानू, मैं चांदी का बाप हूँ। नबील मेरा भी मजाक का बिल्कुल मूड नहीं है। क्या मैं चांदी का बाप नहीं हूँ? शट अप नबील। ओके जानू। बच्चों की वैसी भी छुट्टियाँ हैं, क्या करेंगे घर में बैठ के? सारी फ्रेंड्स चांदी की गई हुई है बाहर घूमने और मेरी बच्ची के पास सिर्फ लॉन ही है ना खेलने के लिए। जानो ये तो तुम्हारी लापरवाही हुई ना, वरना हम भी अपनी बच्ची को मुल्क से बाहर घुमाने लेके जा सकते हैं। मेरी लापरवाही है और नहीं तो क्या। भाई तुम पढ़ी लिखी हो, अच्छी इंग्लिश बोल लेती हो, कोई जॉब करती, ढेर सारे पैसे जमा करती, हमें घुमाने के लिए बाहर ले जाती। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें मुँह से निकालते हुए? जानू इसमें शर्म कैसी, मैं उन घटिया मर्दों में से नहीं हूँ जो बीवियों को घर बैठा कर हांडी चूल्हा कराते हैं। हाँ लेकिन तुम उन मर्दों की तरह हो जो अपनी बीवी की कमाई पर ऐश करना चाहते हैं। खूबसूरत। शट अप नबील। ओके जानू, as you wish, your wish is my command. अबे चल। इस आदमी का कुछ नहीं हो सकता। पैसे इतने छुपा के क्यों रखे हैं? इसलिए कि मैं भूल जाती हूँ ना बच्चू। देखा कितनी वो हूँ। वो क्या? वो जो लाक होते हैं ना दरवाजे। नहीं नहीं वो जो लोमड़ी होती है ना। अरे लोमड़ी तो लोमड़ी होती है मोमो। और चाचा समझता क्यों नहीं? हाँ चाचा लॉक नहीं चालाक। चालाक? हाँ देखा मैं कितनी चालाक हूँ। वो जो तुम कितनी हो वो चालाक हो। हाँ जी मोमो ये तो सारे मिलाकर 7,600 रुपए हुए। खुश फिर तो हम आराम से अपने सोने को घुमाने ले जा सकते हैं। अरे घुमाने क्या, इसमें तो लोहे को हम गाड़ी, घर और फैक्ट्री भी दिलवा सकते हैं। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा क्या? इन पैसों से सिर्फ हलवा पूरी का नाश्ता आ सकता है, वो भी सिर्फ तुम्हारा। अरे क्या याद दिला दिया आपने, दफा करे घूमने फिरने को, जाए जाके मेरे लिए हलवा पूरी लेके आए। खबरदार मोमो ये मेरे सोने की पिकनिक के पैसे हैं, इनमें से मैं एक पैसा भी हलवा पूरी पे खर्च नहीं करूंगा। हाँ अगर खर्च करने पड़ भी गए तो अपने लिए कोई एक आधा नया कुर्ता ले लूंगा। अब तो मैंने पिकनिक पर ही जाना है। अरे इन पैसों से हम पिकनिक पे नहीं जा सकते मोमो। तो जाए जाके फिर सलीम से पैसे मांगे। कौन सलीम? जमीला का शौहर। अरे कौन जमीला? आपकी वो। वो क्या? वो जो सास की होती है। बहन? नहीं वो जो बहन की भी होती है। अरे क्या कह रही हो मोमो? ओहो मेरा बेटा आपका क्या हुआ? हम उम्र है? हाँ ओहो और उसकी बीवी आपकी क्या हुई? भाभी। ओफ ओए मेरे बेटे की बीवी आपकी क्या हुई? अरे बहू। ओए दफा हो जा, सीन लंबा करा दिया। हाँ बहू जाए जाके अपनी बहू के शौहर से पैसे लेकर आए। मोमो सीन मैंने नहीं तुमने लंबा किया है। अरे मेरी बहू का शौहर कौन हुआ भला? तुम्हारा बेटा नबील। माँ तो बेशक उससे पैसे मांग ले। वो जो मैंने उससे मांगने हैं वो पैसे हैं। हाँ जी। अच्छा जी मैं अभी जाता हूँ। नहीं नहीं मैं तो खुद बड़ी एक्सरसाइज करता हूँ। हाँ हाँ 1.5-2 घंटे। हाँ अरे आजकल नहीं कर पा रहा क्योंकि आजकल जरा ट्रैवलिंग में हूँ ना। हाँ मैं अगले हफ्ते आऊंगा ना तो मिलके करेंगे, बिल्कुल जॉगिंग पे जाएंगे। हाँ गार्डन में चले जाएंगे, ऐसा कौन सा मसला है। मैं तुम्हें ना बाद में कॉल करता हूँ, ऐसे को पैसे मांगने वाला आ गया। ओके बाय। नबील। जी महमूद साहब। अरे तुम्हारे पास तो बैलेंस ही नहीं था, ये किसको कॉल कर रहे हो? ऐसे महमूद साहब रेसल कर रहा था, कभी किसी को कॉल करनी पड़ गई तो कैसे करूंगा। आप क्या कह रहे थे? यार नबील बच्चों के स्कूल की छुट्टियाँ हो गई है तो यार बच्चे घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं तो मैं और तुम्हारी माँ सोच रहे थे कि बच्चों के साथ पिकनिक का कोई प्लान बनाया जाए। आइडिया बुरा नहीं है महमूद साहब। हाँ आइडिया तो बुरा नहीं है मगर हालात थोड़े से बुरे हैं। क्या मतलब? हमारे पास ना कुल मिलाकर 7,500 रुपए हुए हैं। हम सोचे थे अगर कुछ पैसे तुम भी साथ मिला लो तो। यार महमूद साहब क्या हो गया आपको, अकल को हाथ मारे। 7,500 रुपए में आप जाएंगे कहाँ? यार बच्चों को कोई हिल पार्क वगैरह ले जाएंगे। यही छोटी सोच महमूद साहब, यही वजह है कि मैं आपको मुल्क से कहीं बाहर लेके नहीं गया। अरे तो तुम खुद कब गए हो? इसीलिए नहीं गया ना कि मैं अकेला जाकर वहाँ क्या करूँगा। अरे यार हमारे पास यहाँ घूमने के तो पैसे है नहीं, हम बाहर जाने का सोच भी कैसे सकते हैं। अरे बाहर जाने के लिए महमूद साहब पैसे नहीं चाहिए, दिमाग चाहिए। दिमाग जो मेरे पास है। वो जो तुम्हारे पास है वो दिमाग है। हाँ जी, आप देखिएगा मैं करता क्या हूँ। सब घर वालों को बुला ले, यहाँ बैठ के प्लान करते हैं। मैं अभी बुला लेता हूँ। बुला ले। ओ यार नबील बता भी दो क्यों बुलाया लॉन में हमें। जानू एक मिनट सब्र करो। ओ पुत्र नहीं हो रहा सबर, अब बता भी दे ना। जानू, माँ जी, महमूद साहब, जमाना हो गया हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। हाँ यार, और हमारे बच्चे भी घर में बोर हो रहे हैं, तो मैंने ये फैसला किया है कि हम लोग इस बार घूमने जो है वो थाईलैंड जाएंगे। क्या? थाईलैंड? कैसा? बहुत आला नबील, बहुत आला। थाईलैंड जाने के पैसे कहाँ से आएंगे नबील? जानू ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये आप में से किसी का भी मसला नहीं है। अरे ये तो और भी अच्छा है। भाई आप लोग आपस में डिसाइड करके ये बता दें मुझे बस कि ट्रिप कितने दिन का होना चाहिए। हाँ जी बताएं कितने दिन का होना चाहिए। हाँ देखो पहली मर्तबा जा रहे हैं, कम से कम 10 दिन तो होने चाहिए। क्यों खूबसूरत? मुझे नहीं पता। 10 दिन? ओके डन, 10 दिन का टूर फाइनल हो गया। जानू जल्दी से पापा जी को फोन करो और पैसे मंगवाओ। What? हाँ जानू इसमें इतना हैरान होने की क्या बात। मेरे पापा पैसे क्यों देंगे? भाई क्यों नहीं देंगे, उनकी बेटी साथ जाएगी, उनकी नवासी जाएगी, इकलौता दामाद जाएगा, पैसे तो उनको देने चाहिए। क्यों माँ जी? और नहीं तो क्या, चल जाके अपने बाप को फोन कर। माँ जी? और करती है फोन या लावा जुती। मैं फोन नहीं करूँगी। मामा साहब डोंट वरी, ये जरूर फोन करेगी। जब तक हम एक काम करते हैं, हम अंदर चल के अपनी प्लानिंग जो है वो फाइनल करते हैं। वो जो हमने अंदर जाकर फाइनल करनी है वो फाइनल प्लानिंग है। हाँ जी। अच्छा जी। आजे, आजे, चलो चलो चलो। आओ ममो, आओ ममो, आओ ममो, आओ ममो, आओ, आओ ममो, आओ ममो। अरे मोमो ये तुम क्या पहन कर घूम रही हो? मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ ना जी। अरे वहाँ पहुँच तो जाओ फिर प्रैक्टिस करती रहना। वो खैर है ना महमूद साहब, थाईलैंड जाना तो कंफर्म है ना। माँ जी चल पुत्र जल्दी से तू भी तैयारी पकड़ ले। नबील तुम क्यों सारे घर वालों का मूड बना रहे हो? मैं पापा को फोन नहीं करूँगी। तुम फोन नहीं करोगी तो क्या हुआ जानू, मैं उन्हें खुद फोन कर लूंगा। क्या? हाँ वो जो तुम उन्हें खुद करोगे वो फोन होगा। हाँ जी। अच्छा जी। हेलो। अरे भाई नबील मैं खूबसूरत का पापा बोल रहा हूँ। अरे पापा जी इस जुस्से पर भी आपकी कितनी लंबी उम्र है। अभी खूबसूरत आपको फोन करने वाली थी। क्या? अच्छा क्यों फोन करने वाली थी खूबसूरत? वो मैं आपको अभी बताता हूँ पापा जी, पहले आप बताएं। पापा जी कि आपने फोन क्यों किया है? भाई पहले तुम बताओ कि खूबसूरत मुझे क्यों फोन करने वाली थी। नहीं पापा जी, नहीं पापा जी आप मेरे पापा जी हैं, पहले आप बताएं ना। अच्छा भाई मैं ही बता देता हूँ, मैंने फोन इसलिए किया था कि मैं और बेताब थाईलैंड जा रहे हैं 15 दिन के लिए। क्या? हाँ, और बेताब का भाई बेकरार हमारे घर आया हुआ था पिछले 2 महीने से, मैंने उसे तुम लोगों के पास भेज दिया। जी पापा जी। कान खोल के सुन लो नबील, तुमने बेकरार की अच्छी तरह देखभाल करनी है, हम वापस आते ही उसे अपने पास बुला लेंगे। ओ पापा जी ये क्या कर दिया आपने। अच्छा अच्छा भाई मैं फोन रखता हूँ, ओके बाय। अरे क्या हुआ है नबील, तुमने पापा से पैसे क्यों नहीं मांगे? और तुम बोलता क्यों नहीं है, क्यों नहीं मांगे? क्या कहा पापा ने? अरे बताओ ना हुआ क्या है, ये क्या छिपकली की तरह मुंह बनाया हुआ है? महमूद साहब हम थाईलैंड नहीं जा सकते। और क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि पापा जी और बेताब थाईलैंड जा रहे हैं और बेताब का भाई बेकरार हमारे पास इस घर में रहने आ रहा है। आप भी रोते हुए बहुत बुरे लग रहे हैं। क्या नबील ये हमेशा हमारे साथ ही क्यों होता है? यार मैंने आपको कितनी दफा बोला कि अपना मूड ना बनाए, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी। तुम्हें तेरे बाप की वजह से हुआ था, जिस उम्र में उसे उम्रे पे जाना चाहिए था, वो छोटी छोटी बच्चियों को लेके थाईलैंड जा रहे हैं। जानू पापा जी ने ठीक नहीं किया, जो किया सो किया। ऊपर से उस बेताब के भाई बेकरार को इस घर का रास्ता दिखा दिया यार। हाँ? कान खोल के सुन लो जानू, हम में से कोई भी उसकी खिदमत नहीं करेगा। अरे मैं तो उसे मुंह ही नहीं लगाऊंगा और मैं तो वो पकाऊंगी नहीं। माँ जी ये तो हो ही नहीं सकता कि आप पकाए ना। सोच लो नबील, हो सकता है कि बेकरार की खिदमत करने से पापा खुश होकर हमें थाईलैंड भेज दे। क्या? हाँ कुछ भी हो सकता है। अरे हाँ नबील, ये तो हमने सोचा ही नहीं। अरे मैं तो उसका बहुत ख्याल रखूंगा। हाँ मैं उसके लिए वो पकाऊंगी। जानू पापा जी का हुक्म सर आंखों पर। आने दो उसे। हाँ आने दे उस बेचैन को। बेकरार, अरे उस बेचैन को आने दे। बेकरार मैं आप कर लूंगी उससे। मामा आंटी मुझे ना बहुत भूख लगी है। ना तो तू है कौन? मैं भूख से बेचैन हूँ। हाय तू बेचैन है? आजा, हम तेरा वो कर रहे थे। वो क्या आंटी? तू दफा कर, तू अंदर तो आ। आजा आजा आजा। मैं मुसाफिर, रात आपका मुंह पानी में पड़ा रहा है, बहुत बड़ा हुआ हुआ यार। अच्छा करीम शुमेला देखो कौन आया है। वो क्या कौन आया माँ जी? बेचैन आया है। बेकरार माँ जी। हाँ थोड़ा बता, बेकरार भी है। ये बेकरार है। नबील ये तो मुझे थोड़ा खिसका हुआ लग रहा है। और दफा करे महमूसा, हमने कौन से पढ़ाना है, इसकी खिदमत ही तो करनी है। हाँ वो तो है। बेकरार जी बाजी जी, तुम्हें घर आसानी से मिल गया था ना? हाँ जी, और तो किसी ने दरवाजा खोला नहीं, इन आंटी ने खोला तो मैं अंदर आ गया। मुझे बड़ी भूख लगी है ना बाजी। अरे भाई बेकरार को भूख लग रही है, जल्दी से खाना बनाओ। खाना बनाने में तो टाइम लग जाएगा। नबील तुम तब तक ऐसा करो, इसके लिए पिज्जा ऑर्डर कर दो। ठीक है जानू। कौन सा फ्लेवर चाहिए? एक एक सब मंगा ले। अच्छा अच्छा जानू, मुझे लग रहा है पापा जी ने इसे 2 महीने से भूखा रखा हुआ था। नबील साइज नहीं देखा इसका, इसी तरह खाता होगा तभी ये हाल है। जानू अगर ये इसी तरह खाता रहा ना तो हम बहुत जल्द सड़क पे आ जाएंगे। मुझे भी यही लग रहा है। आपको क्या लगता है ये हमारे लिए कुछ छोड़ेगा? हाँ मोमो, ये हमारे लिए गंदी प्लेटें छोड़ेगा। अरे यार मुझसे नहीं देखा जा रहा, मुझे उल्टियाँ शुरू हो जाएंगी। तो आप अपनी आंखें बंद कर लेना। अरे मेरी आंखें बंद करने से क्या वो खाना बंद कर देगा? आपको कुछ और तो नहीं चाहिए ना बेकरार? और ना कुछ पतर, इसने कुछ ना कुछ मांग लेना है। नहीं नहीं अभी के लिए इतना ठीक है, आसरा हो गया है। वो जो तुम्हें हुआ है वो आसरा है। हाँ जी, पेट भर के तो मैं सिर्फ रात का खाना खाता हूँ। अब मुझे नींद आ रही है, मैं सोऊंगा। मेरा कमरा कौन सा है? कमरा मैं समझ गया, मैं खुद ढूंढ लूंगा। अच्छा भाई ढूंढ लेना। अरे इतना खाएगा तो क्या मरेगा भी नहीं। नबील जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो, अगर इसको कुछ हो गया तो पापा हमें छोड़ेंगे नहीं। वो कैसी बातें कर रही हो, हमने क्या किया? खुद मरा है, खा के हमने मारा इसको। अरे नबील, अरे ये मरा तो नहीं है, ये तो सो गया है। थैंक गॉड। ना थैंक गॉड तो तू ऐसे बोल रही है जैसे ये सोते में हमारे घर से चल के खुद निकल जाएगा है। शुक्र करें बच गया है माँ जी, पापा का अकलौता साला था। इसके बाद दूसरा बनता भी नहीं है। ये सब छोड़ो, इसे उठाकर कमरे में लेटाओ। क्या? इसे उठाकर? हाँ। ओ जानू तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जो आदमी अपना वजन खुद नहीं उठा सकता उसे हम कैसे उठाएंगे यार। हद होती है वैसे यार, आप दोनों मिलकर एक बच्चे को नहीं उठा सकते। बच्चा? अरे ये हाथी का बच्चा है, इसे कैसे उठा सकते हैं हम? फिर भी कोशिश तो करें ना प्लीज। शाबाश। वो जो हमने करनी है वो कोशिश है। हाँ जी उठाओ जी। और चले जी। कलमा शहादत, कलमा शहादत। आए हुई आए। यार नबील, अरे उस हाथी के बच्चे ने तो मेरी कमर तोड़ दी है। जानो अब मैं और कोई काम नहीं कर पाऊंगा। तो तुम पहले कौन से काम करते थे नबील? और तेरा बाप इस मुसीबत को अपने साथ हांगकांग नहीं लेके जा सकता था? थाईलैंड माँ जी। हाँ तेरा बाप इस थाईलैंड को अपने साथ नहीं ले जा सकता था? जानू मुझे लगता है पापा जी ने जानबूझकर ये बला हमारे जिम्मे डाली है। अब तो मुझे भी यही लग रहा है। फट गया बेकार, फट गया कमरे में। बेकरार। हाँ हाँ बेकरार होके फट गया कमरे में। नबील जाके देखो क्या हुआ यार। वो जा रहे हैं यार, चले महमूद साहब यार। अरे अब मैं उसे नहीं उठा पाऊंगा यार नबील। ओ महमूद साहब अब तो फट गया है, सिर्फ टुकड़े उठाने होंगे। अच्छा यार चलो आ जाए। क्या मुसीबत है माँ जी। चुप है, सब कुछ तेरे बाप की वजह से हुआ है। अच्छा खासा हम इंग्लैंड जा रहे थे, थाईलैंड यार वो एक ही बात है। जानो मामा, जानो मामा, जानो ओ जानो, उसने हमारे कमरे का बेड तोड़ दिया। क्या? हाँ। अरे वो तो बाहर आ गया। हाँ? वो देखो झूले पे बैठ रहा है। अरे झूले पे बैठ रहा है। लो भाई झूला भी गया। ओ यार जानू कुछ करो खुदा का वास्ता, वरना ये बेकरार जो है ना हमारा पूरा घर गिरा के जाएगा यार। अरे मैं क्या करूं यार। अरे भैया अपने पापा को फोन करो और बोलो कि इसको वापस अपने घर भेजें। पापा ने कहा था वो जहाज लैंड करते ही फोन करेंगे। जब तक ये जहाज हमारी पूरी लैंड तबाह करके जाएगा। तो आ गया। मैं फिर खाली हो गया, मुझे फिर भूख लग रही है। ओ भाई तू हमें मिल जरा, किसी को खा जाए। भाई सांस तो ले ले। मोमो तुमने खाने में जहर मिला दिया था ना। नहीं जी वो तो मैं भूल गई थी। तो नबील पापा का फोन, ये लो बात करो। हेलो पापा जी, ये क्या किया आपने हमारे साथ। आएगा नहीं, वो आ चुका है, बल्कि एक बार और खाना खा रहा है। एक सेकंड होल्ड करें। अबे ओ ये ले अपने दूल्हा भाई से बात कर। मेरा तो कोई दूल्हा भाई नहीं है। अबे बेताब के शौहर का फोन है, पकड़। कौन बेताब? तेरी बहन। और कौन? अंकल मेरा तो आप लोगों के सिवा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। क्या? हाँ 2 दिन का भूखा लोगों के दरवाजे खटखटा रहा था, किसी ने दरवाजा खोला ही नहीं। इन आंटी ने दरवाजा खोला तो मैं अंदर आ गया। तुम्हारा नाम बेकरार नहीं है? नहीं जी मेरा नाम तो मुन्ना है। पापा जी आपको आपके मोटापे की कसम है, आपने होल्ड करना और सुनना है। सुबह से मैं पागल करके रखा हुआ तूने। मोमो डंडा लेकर आओ। वश्य वश्य। अच्छा चले एक काम करें, मुझे पहले खाना खाने दे फिर मार लेगा ना। अबे चल साले, खाना खाने के बाद तू फिर सो गया तो हम कैसे उठाएंगे तुझे। मोमो साहब इसे मार मार के घर से निकाले यार। वो जो इसे मार मार कर निकालना है वो घर से है। हाँ जी। हेलो जी, सदीकी साहब की बेटी यहीं रहती हैं? हाँ, तुम कौन? जी मैं सदीकी साहब का साला हूँ, बेकरार। तुझसे ज्यादा तो हम बेकरार हैं। मैं भी पीऊंगा भाई, मुझे भी दो। हाँ मुझे भी, मुझे भी। ओ माँ जी आप लोग बेफिक्र रहे, मैं 3 बोतलें लेके आया हूँ। 3? अरे 3 क्यों, खूबसूरत भी तो है। नबील को पता है कि मुझे ये उल्टी सीधी चीजें पीने का कोई शौक नहीं है। आंटी आप मेरे साथ खेले ना, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। आंटी आप मेरे साथ खेलेंगे, मेरी तो बहुत ही भी नहीं है। करीब से आ रहा था ना तो एक लड़के को पागल कुत्ते ने काट लिया। फिर मैंने उसके पेट में इंजेक्शन लगा दिया और कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया। कुत्ता आपके पीछे क्यों पड़ गया? अरे भाई मैंने गलती से कुत्ते के पेट में इंजेक्शन लगा दिया ना। यार आप इन लोगों का इलाज करने आए हैं या मेरा? मैं तो बच्चों के इलाज के लिए आया हूँ। कहाँ है बच्चे? यही बच्चे है। क्या जी डॉक्टर साहब, इन लोगों ने कोई शरबत जवान ज्यादा पी ली है, उससे इनकी ये हालत हो गई है। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबा। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबा। हो चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबा। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी जा कोई आए जाए, चलता जा।